नाम है जी। माँ अपनी बेटी पे खुश है ना? तभी तो तेरे कंधे पे आ गई। माँ तू जानती मैं तेरे बिना नहीं रह सकती ना, हरदम तेरा साथ चाहती हूँ माँ। तो मैं तो तेरे संग ही हूँ बच्चे, कहने की जरूरत है तुझे? ये बता, रोना नहीं बच्चे। पता नहीं माँ मैं तेरी इतनी दीवानी क्यों हूँ, मुझे भी नहीं पता माँ। बस तेरे बगैर माँ मैं नहीं रह सकती। माँ तूने मुझे गृहस्थी पे क्यों डाला था? ये भी जरूरी था ना, मुझे अपने चरणों की धूली बना ली थी माँ, मुझे वो स्वीकार था। पर माँ मैं ये नहीं स्वीकार कर सकती, क्या करूँ मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती माँ। तो बच्चे तू हमेशा मेरे साथ है बेटा, और मैं तेरे संग हूँ हमेशा, समझ गए? तू मेरी बच्ची है और तेरे हमेशा संग रहती हूँ बेटा। वो तो माँ मुझे पता है। तो फिर बच्चे फिर क्यों शिकायत करती है? पता नहीं माँ मेरे, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है माँ, पता नहीं मुझे समझ नहीं लगती माँ। मेरा मन करता बस तू मेरे पास हो, मैं तेरे चरणों में पड़ी रहूँ माँ। जब भी पीछे मुड़ के देखेगी और जब भी आँख बंद के करके देखेगी बेटा, तेरे सामने खड़ी पाऊँगी। बोल सच्चे दरबार की। मेरी इसमें इतनी किस्मत नहीं माँ, जितना तूने मेरा साथ दिया माँ, हर पल तू मेरे साथ है माँ। अगर तू सच्चे मन से मेरे आगे अरदास करती है तो मैं तेरा साथ क्यों ना दूंगी? जो बच्चे मेरे सच्चे भगत होते हैं, जो सच्चे मन से अरदास करते हैं बेटा, मैं उनकी हर मुराद पूरी करती हूँ। हाँ माँ सही बात है। फिर बच्चे तुझे पीछे कैसे छोड़ूंगी? हर बार कहती है कि माँ मुझे दर्शन दे दर्शन दे दर्शन दे। बेटा दर्शन देती तू हूँ, हर समय तेरे संग। बस माँ अपनी इस बेटी के साथ ना छोड़ना माँ, सदा इस बेटी के साथ रहना। तो इस दरबार में किस लिए लेके आई हूँ ये बता, नहीं तो और भी बहुत दरबार थे लेके जा सकती थी ना। सही बात है माँ। तो मामा बच्ची ने साथ नहीं छोड़ दिया माँ, तो जानती है ना माँ मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती माँ। पता नहीं माँ क्यों मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती माँ। अपने इस परिवार पे माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरा आशीर्वाद बच्चे सदैव तेरे परिवार पे और तेरे ऊपर हमेशा बना रहेगा बेटा, है ठीक है? तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तू मेरी पूजा पाठ मत छोड़। माँ अपना आशीर्वाद दे माँ। और अपना जो है बेटा दुर्गा सप्तशती का पाठ चालू कर। ठीक है माँ। ठीक है दुर्गा सप्तशती का पाठ चालू कर सुबह के समय। ठीक है माँ। दोल सच्चे दरबार की। तभी तेरी हर चिंता दूर करती है। जिसको भी वचन दे दिया वही पार है बेटा। अगर बैठे बैठे तूने किसी को बता दिया, क्योंकि बेटा तेरे जीव पे मैं बैठी, ठीक? तो कभी भी झिझकना मत और कभी भी अपने मुंह से है जीवा से बेटा गलत शब्द मत निकाल, ठीक है? ये दुनिया भी बहुत तंग करती, बहुत तंग देती। तभी तो तुझे बता रही हूँ, दुनिया का काम है बस जो मेरे भगत होते हैं उनको ताने दे, दुनिया का काम है। लेकिन जब उनके ऊपर पड़ती है तब उनको पता भी लगता है, ठीक है ना? जब मैं उनकी परीक्षा लेती हूँ तो बेटा तब उनको पता लगता है ना। जो भगत दूसरों पे हंसते हैं तो खुद के हंसने की भी बारी आती है बेटा, ठीक? तो दुनिया की परवाह ना कर, अपने कर्म किए चल बेटा। मैं तुझे आज मैं वचन दे रही हूँ, ठीक है? तू अपने कर्म किए चल, तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, मैं फिर हमेशा तेरे संग, ठीक? ठीक है। और अपना गुरु धारण कर बेटा, तुझे वचन दिया था कितने महीने पहले मैंने, अपना गुरु बना बेटा। जब तक गुरु नहीं बनाएगी और कुछ कुछ ना है माँ, अपने भगत के काम के बारे में बताओ। करो खाना नहीं है, ऐसे सप्लाई का काम ही माँ करते हैं। हो जाएगा ना, चिंता क्यों करती है? दो महीने से पहले पहले करवा दूँ, ठीक है? ठीक, दो महीने से पहले पहले बच्चे ठिकाना भी बनेगा और दिन
बोल सच्चे दरबार की। इतना काम चलेगा कि तुझे खाना खाने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। सत्वचन माँ बस अपनी याद ना माँ बुलाना जितना मर्जी दो, बस माँ तेरी याद बनी रहे। माँ कुछ नहीं चाहती, इतना भी माँ नहीं चाहती कि तुझे भूल जाऊँ। माँ इतनी याद करी रहे दिन रात, माँ तेरी सेवा।